नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान, जो कि 25 जनवरी को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हो रही है, उसकी ओवरसीज में तो एडवांस बुकिंग हो गई है। और दोस्तों, एडवांस बुकिंग हो रही है मतलब, और काफी अच्छी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट वहां से आ रही है। और उसने एडवांस बुकिंग के मामले में जर्मनी में KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, भारत में कब से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 20 जनवरी को इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भारत में भी शुरू कर दी जाएगी। और तभी इसका जो पठान फिल्म का असली खेल है वो समझ में आने वाला है, क्योंकि विदेशों से तो फिलहाल जो एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आ रही है वो माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है, एक्सीलेंट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो KGF चैप्टर 2 है उसकी जर्मनी में करीब 1.2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, यानी कि 144,000 यूरो की एडवांस बुकिंग प्राप्त की थी। वही दोस्तों, पठान फिल्म अब तक 1.32 करोड़ रुपीज, यानी कि 150,000 यूरो की एडवांस बुकिंग जर्मनी से प्राप्त कर चुकी है। जबकि दोस्तों, इससे आगे फिल्म PS1 है, मणिरत्नम सर की फिल्म PS1, जिसकी जर्मनी में 1.36 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग मिली थी, 155K यानी कि 155,000 यूरो की एडवांस बुकिंग फिल्म ने प्राप्त की थी। तो इस प्रकार एडवांस बुकिंग के मामले में पठान फिल्म ने जर्मनी में KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जल्दी ही ये फिल्म PS1 को भी पीछे छोड़ देगी। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है ओवरसीज में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ना केवल जर्मनी बल्कि दोस्तों USA, मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया या आप UAE, सभी जगह से फिल्म को अच्छी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स आ रही है। और कल मैंने आपको बताया था कि कल तक की रिपोर्ट थी कि 5 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग फिल्म को अब तक ओवरसीज से प्राप्त हो चुकी है, तो काफी अच्छी एडवांस बुकिंग कही जा सकती है। तो भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 तारीख को इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होने वाली है, तो अब पूरा माजरा समझ में आएगा कि क्योंकि भारत में फिल्म का विरोध चल रहा है, ये बात मत भूलिएगा कि भारत में फिल्म का जबरदस्त विरोध हो रहा है, बॉयकॉट पठान भी चल रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत में क्या ये फिल्म कमाल कर पाती है, या जितनी बड़ी हाइप इसकी ओवरसीज से क्रिएट की गई है, पहले ओवरसीज में एडवांस बुकिंग शुरू की गई, भारत में इतने दिनों तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की गई, जबकि इतनी बड़ी फिल्म है तो कम से कम 10-12 दिन पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। मैंने आपको कल के वीडियो में भी ये बात कही थी, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग मात्र 4-5 दिनों के पहले शुरू की जा रही है। तो इसकी एक क्या प्लानिंग है यशराज फिल्म्स की है, तो वही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर तय है कि एडवांस बुकिंग शुरू होते ही देखते हैं कि सैलाब आता है बॉक्स ऑफिस विंडो पर, एडवांस बुकिंग की खिड़की पे, या फिर दोस्तों जितनी बड़ी हाइप बनाई है उसके अनुसार फिल्म की एडवांस बुकिंग नहीं हो पाती है। जो भी बात है वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी, और जैसे ही मेरे पास ये रिपोर्ट आती है एडवांस बुकिंग की कि भारत में कितनी एडवांस बुकिंग आई है, तो मैं आपको डे टू डे आपको लगातार अपडेट इस बारे में देता रहूंगा। फिलहाल इतना ही, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान से कितनी उम्मीद है, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचेगी जैसा कि कहा जा रहा है, या दोस्तों उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगी। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम।